हेलो फ्रेंड्स, किरण क्रिएटिव क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुराना जैकेट से ऐसा पिलो बनाने सिखाऊंगी। इस पिलो को बनाने के लिए मैं टोटल चार पुराने जैकेट का यूज करी हूँ। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पिलो बनाने शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये पुराना जैकेट है, इसे मैं पिलो बनाऊंगी। इसके बाद जैकेट का जिप खोलकर इस तरह रख लेंगे। फिर इसको जिप के पास से कटिंग करके जिप को निकाल देना है। दूसरी साइड का भी जिप कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद नीचे साइड से कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, दोनों बाजू को कटिंग करके निकाल देना है। फिर इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। फिर इसको इस तरह से छोटा छोटा पीस कटिंग करना है। इसी तरह फ्रेंड्स, पूरे जैकेट को छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए, बाजू में से छोटा छोटा पीसेस कटिंग कर ली हूँ। इसी तरह पूरे जैकेट में से छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए, चार जैकेट में से छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, पिलो कवर बनाने के लिए ऐसा एक कपड़ा लेंगे। देखिए, इसका लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। देखिए, ऐसा एक और पीस लेना है इसी चौड़ाई लंबाई का। इसके बाद एक पीस को इस तरह उल्टा रख लेना है। देखिए, यहाँ से पूरा एक सिलाई लगा देना है और दूसरी साइड से देखिए इतना यहाँ से सिलाई करना है और इधर से भी इतना सिलाई करना है, बीच में इतना गैप छोड़ देना है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से एक पूरा सिलाई लगा दी हूँ और इधर से 6 इंच पर सिलाई लगाई हूँ और इस साइड भी 6 इंच पर सिलाई लगाई हूँ और बीच में ये गैप है। इसके बाद फ्रेंड्स, ऐसा दो पीस कपड़ा चाहिए। देखिए, इसका लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। देखिए, दोनों पीस को राउंड शेप में कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, एक पीस लेंगे ये जो राउंड शेप में कटिंग करे हैं। देखिए, इसमें इस तरह से ये जो सिलाई लगाई हूँ, यहाँ से इस तरह पकड़ कर देखिए इस तरह इसको सिलाई करना है। बीच में इस तरह से छोटे छोटे चुनर देकर इसको सिलाई करना है। देखिए, इस तरह से पूरा राउंड शेप में इसको सिलाई लगा देना है। देखिए, एक साइड ये सिलाई लगा दी हूँ, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से दूसरा पीस लेकर राउंड शेप में
सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड राउंड शेप में सिलाई लगा दी हूँ। छोटा छोटा चूना देकर सिलाई लगा दी हूँ। देखिए ये जो गैप छोड़े हैं, यहाँ से इस तरह इसको सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, ये छोटा छोटा पीस जैकेट से कटिंग करी हूँ, इसको इसमें भरेंगे। देखिए इस तरह से इसको भर लेना है। इसमें अगर छोटे छोटे पीस कम पड़ जाते हैं तो इसमें आप पुराना कपड़ा या कॉटन भी भर सकते हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे पीसेस भर ली हूँ। इसके बाद इसको सुई धागे से इस तरह पकड़कर इसको सिलाई कर लेना है। इस तरह सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा सिलाई करके कंप्लीट कर दी हूँ। इस तरह से पिलो बनकर रेडी हो गया है। और मेरा पिलो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।